गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बी एड सेकेंड ईयर के ज्ञान एंड पाठ्यचर्या फर्स्ट पेपर नॉलेज एंड करिकुलम के अंतर्गत हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा में विभिन्न दार्शनिकों के विचारकों के शिक्षा दर्शन को हम देख रहे थे। कल हमने पाउलो फ्रेरे के शिक्षा दर्शन को प्रारंभ किया था, जिसमें कि हमने उनके शैक्षिक विचारधारा को, सामाजिक पृष्ठभूमि को और शिक्षा संबंधी उनके दार्शनिक विचारों को हमने जाना था। आज हम उनका शिक्षा दर्शन से संबंधित जो उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम आदि जो उन्होंने अब सुझाए हैं, हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे। पाउलो फ्रेरे का शिक्षा दर्शन, ठीक है। पाउलो फ्रेरे के शिक्षा दर्शन में कल हमने देखा था कि फ्रेरे जो कि बचपन से ही बहुत अधिक गरीबी और भुखमरी के वातावरण में उनका बचपन व्यतीत हुआ, सामाजिक उत्पीड़न के बीच में उन्होंने अपने आप को समाज के बीच में स्थापित करने का प्रयास किस तरह से किया था, और इसी दृष्टिकोण से या इन्हीं परिस्थितियों में से उनका जो शिक्षा दर्शन है वो किस तरह से निकल कर आया। आज हम उनका देखेंगे शिक्षा के उद्देश्य क्या है। पहला है के उद्देश्य, ठीक है। पाउलो फ्रेरे ने जो शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए, तो निश्चित है कि उनका शिक्षा दर्शन जो था वो सामाजिक परिदृश्य को ध्यान में रखकर था। सामाजिक उत्पीड़न की परिस्थितियों के पर आधारित उनका शिक्षा दर्शन था, तो निश्चित है कि उद्देश्य भी उन्हीं पर आधारित होंगे। तो सबसे पहला उद्देश्य था उनका कि छात्रों में जागरूकता उत्पन्न करना, जागरूकता उत्पन्न करना। यानी कि यहां पर ये बात बहुत स्पष्ट थी कि पाउलो फ्रेरे ये चाहते थे कि समाज क्या है, समाज की संरचना और उसकी परिस्थितियां क्या है, समाज का वातावरण क्या है, समाज के उच्च और निम्न वर्ग किस तरह से हैं, और समाज में इस उच्च और निम्नता की वजह से किस प्रकार से सामाजिक उत्पीड़न हो रहा है, इससे संबंधित छात्रों के विचारों में जागरूकता, छात्रों में जागरूकता आनी चाहिए, ताकि इस सामाजिक उत्पीड़न और सामाजिक अलगाव या भेदभाव की परिस्थितियों से समाज मुक्त किया जा सके। क्योंकि बालक को जब बचपन से जो चीज सिखाई जाती है तो उसके परिणाम हमें जिस अवस्था में, यानी कि बालक की युवा अवस्था में जो परिणाम हमको चाहिए होते हैं, वो परिणाम हमें प्राप्त हो पाते हैं। दूसरा उनका शिक्षा का उद्देश्य था व्यापक दृष्टिकोण, दृष्टिकोण में भी व्यापकता का होना बहुत अनिवार्य है। सीमित क्षेत्र में यदि सीमित दायरे में रहकर यदि व्यक्ति विचार करेगा तो निश्चित है कि उसकी विचारों का जो दायरा है वो सीमित ही रह जाएगा। यानी कि वो केवल एक दिशा में सोच रहा है तो उसके सोचने का जो तरीका है वो उसी एक दिशा में ही रहेगा, उसमें बढ़ोतरी नहीं होगी, या दूसरी दिशा में वह दूसरे पक्ष को वो देख ही नहीं पाएगा। जिस तरह से हम कहते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू हैं, तो अगर व्यापक दृष्टिकोण नहीं है तो वो सिक्के के केवल एक ही पहलू को देख पाएगा, तो दूसरा पहलू उसकी नजरों से वो दूर हो जाएगा या उसको नजर ही नहीं आएगा। इसीलिए व्यापक दृष्टिकोण में उसके सभी क्षेत्रों में दृष्टि होने या सभी क्षेत्रों में चिंतन करने की क्षमता बालक में विकसित हो, इसीलिए दृष्टिकोण का व्यापक होना अनिवार्य है, आवश्यक माना गया है। उसके बाद है सार्वजनिक हित के लिए शिक्षा, सार्वजनिक हित के लिए शिक्षा, यानी कि शिक्षा का जो उद्देश्य है
वो सार्वजनिक हित होना चाहिए, क्योंकि इनका एक कथन था सबका हित और सबका सुख। तो उसी दृष्टिकोण से सार्वजनिक शिक्षा का जो दायरा है, शिक्षा का जो उद्देश्य है, वो सार्वजनिक हित होना चाहिए, व्यक्तिगत हित नहीं होना चाहिए। जब सार्वजनिक हित होगा तो सभी व्यक्ति के सुख के प्रति हर व्यक्ति सजग रहेगा। ऐसा नहीं कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य के अधिकारों का या अन्य के क्षेत्रों का अगर हनन होता है तो निश्चित है कि उस व्यक्ति का उत्पीड़न होगा, उस व्यक्ति के अधिकारों का हनन होगा और उसे परेशानी होगी। तो ऐसे में इस चीज से बचने के लिए शिक्षा इस तरह से बालकों को इस उद्देश्य से प्रदान की जानी चाहिए जिसमें कि बालक में सबके सुख या सबके हितों की भावना का विकास हो, सबके सुखों की भावना को अपना सके। चौथा है नैतिकता का विकास। नैतिक संस्कारों का विकास होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति में प्राणी मात्र के प्रति दया प्रेम, जो हम भारतीयों के नैतिक मूल्य हैं कि दया प्रेम आदर सम्मान, तो वो ये गुण ऐसे हैं जो सार्वजनिक हित को एक नई दिशा प्रदान करते हैं, सभी में अपनत्व की भावना का विकास करते हैं। इसीलिए जो भी शिक्षा प्रदान की जाती है वह शिक्षा का उद्देश्य नैतिक संस्कारों का विकास होना चाहिए। अगला है सामाजिक गुणों का विकास। सामाजिक गुणों का विकास, कि सामाजिक गुणों का विकास होगा तभी व्यक्ति में समाज के प्रति इन मूल्यों को या नैतिक संस्कारों को का विकास हो सकेगा, अन्यथा व्यक्ति किसी भी प्रकार की विचारधारा को या एक जो मान्य विचारधारा है उसके प्रति सजग या सतर्क नहीं रहेगा। फिर एक स्वतंत्रता के लिए शिक्षा, यानी कि व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो। स्वतंत्रता किस प्रकार से, ऐसा नहीं है कि स्वतंत्रता का अधिकार तो दे दिया गया, जैसे कि होता है व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार तो मिल जाता है तो वो अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करने के लिए दूसरे के अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो उसके प्रति वो उदासीन होता है, उसके प्रति वो सचेत नहीं होता है, भले हनन हो रहा है तो उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फ्रेडे का कहना है कि शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि स्वतंत्रता का सही अर्थ बालक को समझ में आए और किस तरह से उस स्वतंत्रता का उपयोग बालक कर सकता है जिससे कि अन्य को कोई बाधा उपस्थित ना हो, अन्य को उससे किसी प्रकार की हानि ना हो। अगली बात आती है समग्रता का दृष्टिकोण। समग्रता का दृष्टिकोण, व्यक्ति में समग्रता का दृष्टिकोण होना भी अनिवार्य है, क्योंकि उसका सभी के सभी क्षेत्रों में सोचना, सभी के बारे में सोचना, मतलब समग्र ज्ञान को प्राप्त करने की उसमें एक जिज्ञासा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस जो चीज उसको पसंद है वहीं तक उसने उसकी शिक्षा अर्जित की और बात खत्म, नहीं। जो चीज उसकी रुचि के दायरे के बाहर भी है लेकिन उससे संबंधित जानकारी को हासिल कर लेने की उसमें एक क्षमता या उसका दृष्टिकोण होना चाहिए, भले उसका उपयोग करे या न करे लेकिन उसके बारे में उसे जानकारी होनी अनिवार्य। इसलिए समग्रता यानी कि समग्र ज्ञान के प्रति उसमें रुचि होनी चाहिए, इस तरह का उसका शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। उसके बाद आता है सर्वांगीण विकास। बालक का सर्वांगीण विकास हो सके शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। आज भी हमारे शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास है। अब हम देखते हैं शिक्षण विधियां।
समझने या उसका प्रयोग करने के लिए स्वयं तैयार होता है। इसीलिए उनकी जो शिक्षण विधियां हैं उन्होंने पांच विधियों पर विशेष रूप से बल दिया। तो सबसे पहली जो शिक्षण विधि थी वो गतिविधि आधारित, यानी कि बालक को गतिविधियां प्रदान की जाए। जैसे कि एक बालक को हम चाहते हैं कि वो बीज का रोपण करना और उससे फसल कैसे प्राप्त की जाती है, तो उसके लिए हम गतिविधि का आयोजन करेंगे, उसे कुछ बीज प्रदान करेंगे, उन बीजों को हम उसको प्रयोग कैसे किया जाता है तो बालक उसको सीखेगा, फिर स्वयं बीज को जमीन में रोपेगा, खड्डा खोदेगा, जमीन खोदेगा, उसमें उसको बीज को डालेगा, पानी देगा, यानी कि और उसके आधार पर वो समझेगा और फिर समझ कर वो अपने हिसाब से संपूर्ण क्या समझा है उसको नोट करेगा, ताकि गतिविधि में बालक स्वयं किसी कार्य को कर रहा है और उसके अनुभव को नोट करता जाता है। तो ऐसी गतिविधि आधारित शिक्षण विधि पर उन्होंने बल दिया था। दूसरी शिक्षण विधि जो थी वो खेल विधि, ये आज के समय में बहुत अधिक बल दिया जाता है कि बालकों को खेल खेल के अंदर जितना आसानी से सिखाया जा सकता है उतना कक्षा में एक स्थान पर कहना चाहिए नियंत्रित वातावरण के अंदर बालक को नहीं सिखाया जा सकता है। तीसरी जो उनकी विधि थी वो प्रदर्शन विधि, क्योंकि प्रदर्शन किसी चीज को प्रदर्शित करके बालक को प्रत्यक्ष अनुभव का अनुभव कराया जा सकता है इस प्रदर्शन विधि के माध्यम से, तो इस विधि पर भी उनका बल था। फिर व्याख्यान विधि, व्याख्यान विधि के भी उनका बल था, क्योंकि कोई भी चीज बालक के सामने भले चाहे प्रदर्शित की जा रही है तो हर चीज बालक देखते ही हर चीज को नहीं सीखता है, वो जो चीज प्रदर्शित की जा रही है उसकी व्याख्या भी करनी पड़ती है, जिससे कि व्याख्या के माध्यम से बालक उस चीज को बहुत आसानी से समझ सकता है। और अंतिम जो है वो है अनुकरण विधि। अनुकरण विधि क्यों कहते हैं, फेरे अनुकरण विधि पर बल दिया है, क्यों कि बालक किसी को देखकर और उसका अनुकरण करते हुए किसी चीज को आसानी से सीखता है। जैसे हमने कहा गतिविधि आधारित में मैंने बोला बताया था कि बालक को हम बीज रोपण के लिए बीज को खेतों में किस तरह से बोया जाता है और फसल कैसे प्राप्त की जाती है, तो एक तो बालक को उस विधि से संबंधित सब समझा दिया जाए और बालक को करने को छोड़ दिया जाए, और एक वो जिसमें कि शिक्षक करता जा रहा है, बालक को कहा जा रहा है कि तुम शिक्षक का अनुकरण करते जाओ, या कोई अन्य व्यक्ति करता जा रहा है उसे कहा जा रहा है कि अनुकरण कर देगा, तो उस अनुकरण के माध्यम से भी बालक आसानी से सीख सकता है। शिक्षण विधियों के साथ ही इनकी बात आती है पाठ्यक्रम की, कि पाठ्यक्रम की शिक्षण विधि किस चीज का शिक्षण करें, तो निश्चित रूप से पाठ्यक्रम होना आवश्यक। उन्होंने किस प्रकार के पाठ्यक्रम पर बल दिया कि उनके अनुसार पाठ्यक्रम के अंतर्गत भाषा, सामाजिक सामाजिक विषय, यानी कि उन्होंने शिक्षा में भाषा जिसमें, क्योंकि भाषा बालक को जब तक भाषा नहीं आएगी, लैंग्वेज नहीं आएगी, तो वो किसी से भी अंतःक्रिया करने में सफल नहीं हो पाए, इसीलिए भाषा का ज्ञान होना भी एक बालक के लिए अनिवार्य है। इससे पाठ्यक्रम के अंतर्गत जहाँ उन्होंने भाषा को स्थान दिया वहीं पर सामाजिक विषय, क्योंकि उस समय सामाजिक ज्ञान पर भी विशेष रूप से बल था, इसीलिए दूसरा जो उनका विषय था वो सामाजिक विषय था। तीसरा है विज्ञान, क्योंकि विज्ञान के बिना किसी भी प्रकार के अनुसंधान या आविष्कार की या किसी तथ्य को समझने की क्षमताओं का विकास नहीं हो सकता है, इसीलिए विज्ञान विषय को भी उसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया। और चौथा था नैतिकता से संबंधित विषयों को पाठ्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किया जाए, अर्थात उन्होंने पाठ्यक्रम में चार विषयों को भाषा, सामाजिक विज्ञान, ज्ञान और नैतिकता को सम्मिलित करने की या उनको उपयोग स्थान देने पर बल दिया। उसके बाद आता है शिक्षा और
शिक्षक को उन्होंने प्रमुख स्थान दिया है, क्यों? कि शिक्षा के बिना किसी भी शिक्षण प्रक्रिया का, ज्ञान की प्रक्रिया का पूर्ण होना संभव नहीं है, इसीलिए इन्होंने शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान दिया। लेकिन यहाँ पर ये कहा कि शिक्षक बालक को इस तरह से शिक्षा प्रदान करे कि उसे आत्मबोध हो, यानी कि स्वयं के बारे में ज्ञान हो सके, उसमें रचनात्मक क्षमताओं का विकास हो बालक में, और उसमें मतलब कि वो स्वयं को समझने की उसमें क्षमताओं का विकास हो, रचनात्मक क्षमताओं का विकास हो, शिक्षक को इस तरह से शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। लेकिन बालक के विकास पर, यानी कि शिक्षा बालक को केंद्र में रखकर ही की जानी चाहिए। शिक्षक निश्चित है कि प्रमुख स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, लेकिन केंद्र में बालक ही रहेगा। और शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में बहुत घनिष्ठ और आत्मीयतापूर्ण संबंध होने चाहिए, तभी शिक्षण प्रक्रिया को, शिक्षण कार्य को पूर्ण किया जा सकता है। आशा करती हूँ कि मेरी बात आपको ये समझ में आई होगी, फ्रेडरिक का शिक्षा दर्शन। तो आज मैं जो प्रश्न है फ्रेडरिक के शिक्षा दर्शन को स्पष्ट कीजिए, ठीक है? इस प्रश्न को आपको हल करना है। अपनी बात को समाप्त करने से पहले COVID-19 के इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए घर से बाहर जब भी निकलें तो